कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूं श्री यादवेंद्र सिंह संधु जी से, जो चेयरमैन हैं युवा आयोग हरियाणा, एंड पुत्र श्री शहीद आजम भगत सिंह। श्री यादवेंद्र सिंह संधु जी, आपका स्वागत है मंच पर। कृपया कुछ शब्द कहकर समारोह की शोभा बढ़ाएं। मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं श्री राजेश दलाल जी, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, उपेंद्र जी जिलाध्यक्ष बीजेपी, बबीता फोगाट जी, राकेश दौलताबाद जी एमएलए साहब, और यहाँ मौजूद आप सारे मेरे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आप सभी को मैं यादवेंद्र शहीद भगत सिंह परिवार की तरह से जय घोष करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और एक जय घोष जो जाट रेजिमेंट करती है वो भी मेरे साथ आप लोग बुलंद करिए। मैं बोलूंगा जाट बलवान, तो आप कहिएगा जय भगवान। जाट बलवान, जाट बलवान। प्रीतम जी का धन्यवाद करता हूं, उनके माध्यम से आप सबके बीच में दोबारा आने का अवसर मिला है। आज से 6-7 साल पहले आप ही की जन कल्याण जाट सभा में मुझे आने का अवसर मिला था। अतर सिंह जी जब ऑर्गेनाइजर थे, सामने बैठे हुए हैं, तब भी आप सबसे आशीर्वाद लेके गया था, और आज फिर दोबारा आपके बीच में आया हूं। जो प्यार, जो स्नेह आप लोगों से देखकर या लेकर जाता हूं, उसको देखकर यही आपसे कहना चाहूंगा, शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस नहीं हूं, आप सब भी उनके वारिस हो, आप सब भी उनके वंशज हो। हम लोग जाट कल्याण की बात करने यहां इकट्ठा हुए हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा जाट समाज एक वीरता का प्रतीक है, और आप सबको एक विशेष बात ही बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सत्ता तो परिवर्तन होता रहता है, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था का भी परिवर्तन किया है। हम सब जाट समुदाय से आते हैं और हम सब जानते हैं हमारा व्यवसाय क्या है, खासतौर के उत्तर भारत में हर कोई जानता है कि अगर हम जाट की बात करते हैं तो हम किसान की बात करते हैं। वो किसान जो इस जमीन के अंदर हल चलाकर अंकुरों को उगाता है, जिसको सारा देश खाता है, सारा समाज खाता है, उस किसान की बात को करते हुए आप लोग देख रहे हैं, एक दो दिन से बारिश हो रही है, हमारे यहाँ एक आपदा आ रही है जो कि